अस्सलाम वालेकुम आज वीडियो में पिकू मशीन है, ठीक है। चलते चलते है क्या है, मोटे कपड़े पे क्या है, ये स्लिप करती है, यानी ये टाँका यहाँ से रुक जाती है, ये चक्की चलती है, ठीक है। आज की वीडियो में इसे हम इसको कैसे सही करेंगे यही बताएंगे, ठीक है। हम पहले स्लाइड चला कर दिखा देते खराबी क्या हो रही है, नेट करने के बाद हम देखते हैं कि मशीन का क्या स्थिति है। कभी कभी वो बटन जब लगाते हैं ना, ये जो बटन लगाते हैं तो बटन से क्या मशीन रुकती है। इसमें तो सही सही चल रही है घट कपड़े पे, जब हम ये बटन लगाते हैं बटन के ऊपर सुई जाती है तो ये रुकती है। ये देखिए यहाँ रुक गई है, देखिए चक्की चल रही है, सुई बिल्कुल रुकी हुई है। ठीक है, तो ये बटन पे हम इसको, यहाँ पे सुई रुक गई है बटन के पास। पहले क्या होती थी, बटन बटन को तोड़ करके सुई पार हो जाती थी, अब ये स्लिप करती है, ये सुई रुकी हुई है। और ये स्लिप हो रही है, यहाँ से स्लिप है, तो हम इसको कैसे सही करेंगे। पहले हम ये पट्टा को उतार लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से हटा लेते हैं, देख लेंगे इसमें का एक वासट रहती है, वासट का अगर उसका घाट घिस जाती है तो ये स्लिप होती है, नहीं तो अगर ये बिल्कुल अगर सही नहीं बैठा रहेगा तो इस बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल स्लिप होगी। लेकिन ये चल रही है, लेकिन ये आज से ऐसा परेशानी हो रही है, तो हम इसको खोल करके देख लेते हैं। ये बहुत जान भी है लेकिन खुल गई है। इसका वासट है ना, ये वासट घिस गई है और ये हल्का लग रही है, इसके वजह से ये स्लिप हो रही थी। और ये टाइट करने के बाद भी ये टाइट नहीं हो रही थी, क्योंकि टाइट करते थे इसके साथ ही ये फिरती थी। ये खांच बराबर है, ये खांच में जाके ये फंस जाना चाहिए था इस तरह। नहीं, ये फंस गई है, ठीक है। तो हम इसको एक बार हम इसको पलटी करते हैं मशीन को, ठीक है। अब इसको फिर से टाइट करके देखते हैं, चक्की को ये बाजू रखेंगे, ठीक है। शायद हो सकता है ये उल्टा साइड में अगर फिट रहा होगा तो इसके वजह से ये सही से टाइट नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो हल्का जो अंदर में गड्ढा है बाहर की तरफ से झुका हुआ है, ये बाजू रखेंगे, ये बाजू रख करके पहले इसको हम देख लेंगे, ये बैठ गई है, तब इसको हम टाइट करेंगे। और यहाँ नीचे से पकड़ लेंगे, यहाँ पे है इसको पकड़ लेंगे ताकि ये स्लिप ना हो, अच्छा से टाइट हो जाए। तो ये टाइट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये सुई सिलाई के यहाँ नीचे के पास, ये सुई सिलाई के पास ये रट लगा लेते हैं,
ताकि ये टाइट हो जाए। इस तरह डाल देंगे, अभी ये जाम हो गई, ठीक है। अब इसको हम टाइट करेंगे, हम ये बोल्ट लगा लिए, ये खांसे है ना, ये रड रुक जाएगी, तो ये टाइट करना अब आसानी रहेगा, ठीक है। अब इसको हम ठोकेंगे, अब ये टाइट हो गई है। अब ये हल्का स्लिप कर रही है, यानी अभी ठीक तरह से टाइट नहीं हुई है। तो अब इसको हम अच्छा से टाइट कर लेंगे, ठीक है। अब ये टाइट हो गई है, अब ये स्लिप नहीं रही हुई। वहाँ पे ये बड़ा ऐसा मैं रड लगाया हूँ, ठीक है। अब सिलाई चला करके देखेंगे, ठीक है। अब ये बटन पे हम सिलाई मारेंगे, ठीक है। अगर ये बटन टूट गई तो समझ लीजिए यहाँ पे सही है, अगर ये बटन नहीं टूटा और फिर से स्लिप हो रही है तो ये सही से टाइट नहीं हुई है। ये देखिए बटन तोड़ करके सुई पार हो गई है, फिर से एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए बटन टूट गई है, साथ में सुई भी टूट गई है, लेकिन स्लिप नहीं हुई है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा हो तो इस तरह करके सेटिंग कर सकते। तो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कोई भी सवाल है कमेंट करें, ठीक है।